हरे कृष्ण। सो भक्ति के शुद्ध तत्वों के बारे में भगवान कृष्ण हमें पिछले कुछ श्लोकों से बता रहे हैं, कुछ अध्यायों से बता रहे हैं। राइट फ्रॉम चैप्टर 9 वी हैव बीन सीइंग प्योर डिवोशनल सर्विस। इन श्लोकों में हम देख रहे हैं भगवान कहते हैं द बेस्ट काइंड ऑफ डिवोशनल सर्विस इज व्हाट कृष्णा एक्सप्लेन्ड इन टेक्स्ट 9 अथ चित्त समाधातुम, या फिर टेक्स्ट 8 एक्चुअली, दैट मई एव मना आदस्त्वम मई बुद्धिम निवेशय। सो स्मरण आत्मिका और मनन आत्मिका भक्ति। सो समवन हु इज मई एव मन आधस्त्वम मई बुद्धिम निवेशय, जिस प्रकार से 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने बताया। सो दैट इज द हाईएस्ट डिवोशनल सर्विस। वन इज ऑलवेज इन समाधि इन थॉट्स एंड स्कीमिंग फॉर कृष्णा एंड हिज सर्विस। इफ दैट इज नॉट देयर देन कृष्णा सेड इन टेक्स्ट 9 दैट यू ट्राई टू channelize your thoughts and deeds in such a way that you can always remember me. That was text 9. In text 10, he saw, if that is also not possible, do all activities for me. मुझे छोड़ करके बाकी किसी को प्रसन्न के लिए करने के लिए कोई कार्य करो ही मत। That is the next stage. Krishna says today, if that is also not possible, अगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे अपने कार्य केवल मेरे लिए ही करोगे, तो देन कृष्णा सेज टुडे इन टेक्स्ट 11 तथैदत् अप्यशक्तोसि कर्तुम् मदियोगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुरुयतात्मवान। इफ हाउएवर यू आर अनेबल टू वर्क इन दिस कॉन्शियसनेस ऑफ मी देन ट्राई टू एक्ट गिविंग अप ऑल रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क एंड ट्राई टू बी सेल्फ सिचुएटेड। तो कल भगवान ने कहा कि डू ऑल योर वर्क फॉर मी। सो इफ यू कैन नॉट डू दैट ऑल्सो देन डू योर वर्क फॉर योर सेल्फ बट देन लीव द रिजल्ट्स टू मी। आप काम अपने लिए करिए लेकिन उसके फलों से आसक्त मत रहिए। सो कृष्णा हैज बीन प्रोग्रेसिवली कमिंग डाउन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। यस यस मई एव मदा अधस्त्वम मई बुद्धिम निवेशय। सो चैप्टर 12 टेक्स्ट 8 फर्स्ट लाइन, दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। अगर नहीं तो मई एव मदा अधस्त्वम मई बुद्धिम निवेशय के लिए प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट स्टैंडर्ड। वो भी नहीं, ओ देन अपने सारे कार्य केवल मेरे लिए करो, दैट बिकम्स द फिजिकल एस्पेक्ट, सेंसेस आर इन्वॉल्व। वो भी नहीं, ठीक है आप अपने काम अपने लिए करो बट देन डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। सो कर्म और भक्ति में क्या अंतर है हम देखते हैं। कर्म योग में व्यक्ति काम करता है और बाद में उसके फलों को भगवान को अर्पण करता है। भक्ति में पहले कोई चीज भगवान को अर्पण की जाती है, उसके बाद में उसे अंगीकृत किया जाता है। दिस इज द डिफरेंस। व्हेन आई वर्क फॉर माई सेल्फ एंड आई ऑफर द रिजल्ट्स टू द लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एज कर्म योग। व्हेन आई फर्स्ट ऑफर द वर्क इटसेल्फ टू कृष्णा एंड देन आई स्टार्ट द वर्क, दैट इज कॉल्ड एज भक्ति। इसलिए हम देखेंगे बिजनेस हाउसेस या दुकानदार बिजनेसमैन ये सब क्या करते हैं, पहले पूजा करते हैं। आप पूजा मतलब शटर खोलेंगे, पहले अगरबत्ती दिखाएंगे और उसके बाद में दिन चालू करेंगे। सो द एक्चुअल पर्पज ऑफ डूइंग दैट अगरबत्ती डूइंग दैट दिया इज भगवान मेरा आज का दिन आपके लिए अर्पण है, इसमें से आपको जो करवाना है करवा लीजिए। लेकिन ये प्रार्थना बदल के अब क्या हो गई है, भगवान मैं अभी शटर खोल रहा हूं, मेरे को जितना प्रॉफिट आना है आज आने दीजिए। सो दोनों ही अगरबत्ती घुमा रहे हैं, दोनों ही दीप घुमा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति इज ऑन द लेवल ऑफ योगा। वो कहता है भगवान मैंने आज आप अपनी दुकान खोली है, एज यू विश लेट इट प्रॉस्पर। सो इज ऑफरिंग द होल थिंग टू कृष्णा फर्स्ट एंड द सेकेंड पर्सन इज सेइंग भगवान आज मैंने दुकान खोली है, जितना आना है आने दो, आज का दिन अच्छा जाने दो। सो ही स्टिल वर्किंग फॉर हिमसेल्फ। सो कार्य एक ही है लेकिन दोनों के पीछे की मानसिकता में बहुत फर्क है। सो इसीलिए जितना हम प्रवृत्ति को छोड़ करके निवृत्ति के मार्ग पर जाएंगे, प्रवृत्ति आने उसमें से मुझे क्या मिलेगा, निवृत्ति आने भगवान ये सब आपके लिए। सो ये सब आपके लिए जब मैं कहता हूं, सो व्हाट एक्सटर्नल आई एम ऑफरिंग हैज नो दिस
ओ मैं करोड़ों का एम्पायर भगवान को ऑफर कर रहा हूँ या मेरी छोटी सी टपरी है चाय की वो मैं भगवान को ऑफर कर रहा हूँ। द कंसेप्ट इज मैं भगवान को ऑफर कर रहा हूँ। कृष्णा डज नॉट सी द क्वांटम, ही सीज द क्वालिटी ऑफ हार्ट एंड द सरेंडर इन आवर कॉन्शियसनेस। सो यहाँ पे इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर आप अपने सारे कार्य मुझे नहीं समर्पित कर सकते, कम से कम क्या करो, ओ कार्य करने के बाद उसके फल से रिक्त हो जाओ। फल चाहिए जैसा आया तो हर कोई खुश होता है, लेकिन अगर फल चाहिए वैसा नहीं आया तो भी खुश रहना सीखो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।